गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अंशुल सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में रहना। तो मैं चेन्नई से कल निकल गया था, लेकिन क्या करे, GoPro की मेमोरी क्रैश हो गई तो सारी फुटेज तो आई नहीं। अभी सुबह देखा भाई कि कॉपी कर लेता हूँ तो मेमोरी तो एरर दे रहा है, तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, हो गई तो हो गई। तो अभी मैं हूँ चेन्नई से अराउंड 80 किलोमीटर, ताड़ा ऐसा कुछ नाम करके है। तो यहीं अपने कैंप गाड़ा था और चाय पानी पी के अभी निकलते हैं तिरुमला तिरुपति की तरफ। शुरुआत करते हैं दिन की अच्छे से और एक और नए सफ़र पे। ये समझिए कि चेन्नई से अभी निकले हैं क्योंकि 80 किलोमीटर तो हो गया पूरा वीडियो भाई। चले कोई बात नहीं, चलता रहता यार, ये तो लाइफ के मतलब ट्रैवलिंग के पार्ट है, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है हमेशा। और पहली बार ऐसा हुआ है, मेरे मोबाइल वगैरह सब चार्ज है अभी तक। मेरा मेन मोबाइल है वो 40% उतरा है, बाकी कोई उतरा नहीं। और भाई लोग, मैंने शायद आपको बताया कि नहीं, वेलकम टू आंध्र प्रदेश। और हम आंध्र प्रदेश में हैं भाई, अपन चेन्नई से 80 किलोमीटर आ गए हैं, लेकिन अपन आंध्र प्रदेश में है ना कि तमिलनाडु में। हमने कल क्रॉस कर लिया था, लेकिन क्या करें, सारे वीडियोज वगैरह तो उसी में रह गए थे, तो क्या कर सकते, बुरा तो लग रहा है लेकिन चलेगा। अभी बुरा लगने से कोई अपनी ट्रिप तो बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए खुश रहो। चलो भाई, मतलब भाई ने लिफ्ट दी है, इनको हिंदी जरा भी नहीं आती है, समझ में भी नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं, दादी इधर होता भाई, दादी का गुजरा है, लेकिन दादी को यहाँ दिखता मैं पहाड़ आने लग गए। देखिए सामने वापस तुम्हारा भाई चल रहा है पैदल, क्या करे यार भाई, लिफ्ट मिले तो ना, गांव का एरिया तो कोई इतना समझता ही नहीं। प्रॉपर विलेज एरिया में हूँ भाई, प्रॉपर विलेज एरिया। देखिए चावल की खेती है जो कि काट दी है अभी, और अभी क्या पता क्या करेंगे, पानी भर रखा है खेतों में भाई। बोर्ड को पीछे ही लगा लिया बैग पे ताकि हम चलते हुए पीछे सबको पढ़ना आ जाए। पहले छोटा सा पॉन्ड है, लेकिन देखिए कितने पक्षी आए हुए हैं भाई। अब देखिए, अब दिख रहे हो तो आपको। पर कुछ नहीं है, कैनोपी वगैरह ऐसे खुले में भाई, एकदम गांव का है विलेज पंप, देख लो ऐसा कुछ रहता है। तेल भरवा रहे भाई, फिर निकलते हैं, अपन भी साथ साथ ही निकलेंगे भाई। मन तो कर रहा है पहाड़ों की तरफ निकलो। चलो भाई, तो मैंने भी रिक्शा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है। चलो भाई, आंध्र प्रदेश में तो थोड़ा ठीक ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैं जहाँ गया हूँ वहाँ पंप वाले ठीक ही बिहेव कर रहे हैं भाई, पहले समझ में ना आए पर मदद कर रहे। 3 पंप चेक कर लिए, चौथा ये पीछे था। थोड़ी देर बैठते हैं यार, काफ़ी चल लिया भाई, देखो पहाड़ देखो पीछे। अभी यहाँ बैग रख दिए और बैठ गए, थोड़ा टाइम बैठते फिर भागते भाई। पूरी पंजाब वाली फीलिंग आ रही है भाई, ये चावल है इधर और इधर पक गए और काट भी दिए। और ये तुम्हारा भाई चल रहा है, अभी ऊपर है सूरज, अभी भी चल ही रहा है भाई, 15 से 1 किलोमीटर ऊपर चल लिया, फिर भी चलता ही जा रहा हूँ। ठीक है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, बस एकदम प्लेन एरिया। रोड मुझे कहाँ तक दिख रही है, 5 से 6 किलोमीटर तक। ओ भाई, ये कुछ है भाई नज़ारे यहाँ। ऐसा कुछ दिखता है भाई, महादेव क्या, पशुनाथ महादेव ऐसा कुछ। देखिए और ऊपर मूर्तियाँ कितनी शानदार बनी हुई है,
और नया जो गेट बना दरवाजा बना वो पूरा कुंभक, जो पुराना है वो ये सामने वाला। चलो भाई, ये घंटे से बैठा था यहाँ छोटू के पास। छोटू तेरा नाम क्या है? आयन। आयन उसके पास बैठा था एक घंटे से, और मोबाइल वगैरह थोड़े थोड़े चार्ज किए, हो गए काफ़ी सारे। GoPro भी 83% हो गया, तो काफ़ी चलेगा ये। चलो कुछ भूले तो नहीं है, क्योंकि भूलेंगे तो वापस आ जाएंगे। चलते हैं त्रिपल, बाय बाय। ज़्यादा उदाहरणों का मतलब बोले। चलो भाई, आपने नाम नहीं पूछा? ओम प्रकाश जी। चलो ओम प्रकाश जी से मिलिए भाई आशा। और ओम प्रकाश जी ने भाई हम बोल रहे हैं भाई, अपने मारवाड़ उधर के ही है, भीलवाड़ा के, तो यहाँ बेचते हैं भाई। चलो फिर अपन तो भागते रहते हैं, निकले हैं, जल्दी पहुँचना है भाई तिरुपति। फिर वहाँ जाके देखेंगे क्या प्रोग्राम बनेगा, क्योंकि अभी चढ़ने का कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा यार, वहाँ जाके पूछना पड़ेगा भाई। चलो इस ट्रिप में मतलब आंध्रा में मिल गए हमें भी बड़ी गाड़ी, नहीं तो जब से रिक्शा बाइक पे बैठ रहे थे। मतलब कुछ माहौल है बाहर का, अभी तिरुपति यहाँ से 35 अराउंड है पड़ा है। ये है कार्तिक भाई, इन्होंने लिफ्ट दी। वेलकम टू तिरुपति भाई लोग, तुम्हारा भाई पहुँच चुका है तिरुपति बालाजी। अभी तिरुपति में आए हैं, अभी देखते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ से अभी भी कितना बड़ा आपको बता दूं मंदिर, 27 किलोमीटर। ओ भाई, चलो फिर भी लेनी पड़ेगी लिफ्ट यार, और देखते हैं कैसे क्या रहेगा फिर। अलीपीरी गेट पे पहुँच तो गए हैं, अभी देखिए हो रहा सामने, और यहाँ सामान दे देते हैं, फिर ऊपर ही मिलेंगे हमें सामान, और अपन चढ़ेंगे सीढ़ियों से भाई। चलिए कोई बात नहीं, चढ़ते हैं फिर, और यहाँ जमा करवाते हैं सामान। चलो भाई, जमा तो करवा लिया है, अभी निकलते हैं, अभी भागते हैं फिर। अपन तो थोड़ी देर में चढ़ जाएंगे भाई, क्या टाइम लगेगा हमें। यह है स्टेस वे टू फुटपाथ, चलते हैं फिर। और देखिए हैं ऐसी पूजा चढ़ा के क्या करेंगे अपन भाई। चलिए स्टार्ट हो गए हैं, अभी टाइम क्या हुआ है, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं 6:45 पे, 6:45। ये है भाई स्टेस का स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेहरी के बाबा जी के नाम, और भाई चलिए पूजा करके अपने। ये भाई तिरुमला फुटपाथ स्टार्टिंग पॉइंट, और ये रहे मेन गेट। चलिए दर्शन करके फिर निकलेंगे वापस। ये है भाई अपना अभी स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से है, दर्शन हो गए। एक फ़ोटो ले लेते हैं, मतलब इसमें GoPro में रखेंगे ऐसे, तो ये फ़ोटो ही आ जाएगा फिर। और अभी स्टार्टिंग करते हैं, दर्शन करते करते चलो। और 12 साल से नीचे हैं, अलाउ नहीं है एलपुरी और श्रीवरी मिट्टू में 2 बजे से 5 बजे तक क्लोज हो जाता है। ये है भाई मेन रोड। तो भाई लाठी ले ली है हमने, क्योंकि लेना ज़रूरी है, टाइगर्स वगैरह मिल सकते हैं, भगवान करे ना मिले, पर मिल भी सकते हैं भाई। भैया मिल गए, भैया आप कहाँ से? मैं नेल्लूर से। नेल्लूर से, और आप है? नेल्लूर। नेल्लूर, ओके ओके। आपका नाम? आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार, आप? रमेश रेड्डी। तो सुनील। चलो भाई लेफ्ट लेते हैं, और फोटोग्राफी का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं बना तो नहीं, क्योंकि कहीं रूल्स ब्रेक नहीं होने में चाहिए। तो भाई चेकिंग करने में भाई पीछे रह गए यार, GoPro भी उस हिसाब से देखते हैं भाई, चेक करके, इनको पता ही नहीं है GoPro भी कोई होती है। आते होंगे लेकिन इतना ध्यान नहीं देते, भाई लैपटॉप देख के निकाल। ओ भाई चलो कोई नहीं भाई, भागते हैं फटाक से, भाइयों को पकड़ना पड़ेगा, अकेला कहाँ रहूँगा। ऐसा कुछ स्टेप्स है भाई, स्टेप नंबर 250, यहाँ 250 हो गए भाई। यह देखिए, रात में तो क्या दिखेगा, लेकिन देखिए फिर भी
दौड़ के आया था भाई, वह लोग चल रहे पीछे पीछे। ओ भाई अभी तो 1200 स्टेप्स हुए, अभी और काफ़ी पड़े हैं भाई, देखते बोलेंगे टाइम से, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। सीधी स्टेप्स है एकदम सीधी से भाई, चलो फटाक से। चलो आप चलिए, मैं चल रहा हूँ। चलो भाई फाइनली 1500 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 250 और बाकी हैं, तो फटाक से निकालते हैं इनको भी, फिर दर्शन करते हैं भाई फटाक से जाके। नमा नमाल गोपुरम, ओह बहुत बड़ा गेट है भाई, देखो कितना बड़ा दरवाजा है ना, दबा के। ओह इस द्वार को क्या बोलते हैं भैया, इस द्वार गाली गोपुरम। और दवाखाना वगैरह यही है ना, हॉस्पिटल मेडिसिन मेडिसिन का भी सुविधा यही है ना, हाँ पीछे लिखा हुआ है। सो भाई लो कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो 1800 स्टेयर्स के बाद है ये होटल। हाँ ये होटल से, चलो खाना खा लेते हैं, मेरे को भूख लग रही है बहुत दबा के। ओह चले यहीं खा लेते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि भूख बहुत दबा के लगी है भाई। जस्ट दरवाज़ा पार करोगे मीडियम का तो ऐसे यहाँ है, होटल वगैरह काफ़ी है यार, नीचे बोलेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर आके सब कुछ मिल जाएगा आपको जो चाहिए वो, है ना मस्त। और अपन हमारा भाई बैठा है यहाँ, चलो भाई कोई बात नहीं, नाश्ता खाना खाते फिर चलते हैं। भैया आगे जा रहे तो उनको भी देखना पड़ेगा कहाँ है वो, चलिए तो भागते हैं खाना वाना खा के। चलो भाई खाना हो गया, अभी पकड़ते वापस भाई को, काफ़ी टाइम हो गया वैसे हमें। ऊपर तो यार पूरा मार्केट लगा रखा है भाई, देखिए कितना शानदार लग रहा है। चलिए पकड़ते फटाक से उन्हें, और उनके साथ होते, उनके साथ होने का एक ही तरीका है भाई, बस मोबाइल देखता चलूँ, आराम से पता भी नहीं चलेगा मैंने कब कितने स्टेप चढ़ जाऊँगा, मेरे को खुद को पता नहीं रहेगा। ओ भाई यार एक घंटे से वेट कर रहा हूँ मेरा मेन गेट, सबसे पहले मैं आया था, बस बैठा ही मैं ही हूँ, मेरे को लगता है मैं ही पीछे ना रह जाऊँ कहीं, तो भागना पड़ेगा मुझे तो। कहीं हिंदी में समझा लो भाई, सब तेलुगु बोल रहे हैं वगैरह सब बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, इनकी वजह से नहीं आएगा तो भी शेर आ जाएगा भाई। बाकी फ्रंट में हमारे बॉडीगार्ड चल रहे हैं और पीछे कॉमेडी चल रहे भाई, सारे अलग ही मस्ती कर रहे हैं भाई, मजे है जिंदगी। यहाँ बीच में रुके, हनुमान जी की मूर्ति है बहुत बड़ी, और अभी थोड़ा ही दूर है बस, ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा और चलना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी जो रोड होगा ना वो चलना पड़ेगा अपने को, और नंगे पांव है भाई कुछ नहीं है। 3200 स्टेप्स कंप्लीट एंड 3500 लेफ्ट, पूरा एकदम सीधा है भाई, चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है मस्त से स्टेप से। अरे भाई धन्ना वेट कर रहा है। चलो भाई फाइनली पूरे हो गए 3550 स्टेयर्स। ओ भाई जो सुकून मिल रहा ना वो कहीं नहीं मिलेगा भाई। चलो भाई हो गया भाई, खत्म। हाँ अभी सो जाते हैं, चलो चलो लगेज ले लेते हैं यहाँ से, और ऊपर तो काफ़ी कारोबार है भाई, पूरा गांव का गांव बसा हुआ है। वैसे मैम में दिख रहा था यहाँ क्या भाई, भाई लो लगेज ले लेते हैं वापस ऊपर आके, वो स्टेप्स खत्म होगी जैसे ही तो ले लेंगे भाई ना, यहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो ठीक है ले लेते हैं भाई। हाँ दी, ओ भाई देखो फूल कितने शानदार लग रहे हैं ना, अभी दिन में ही नहीं तो और भी गजब लगते। चलते हैं फिर लॉकर्स की ओर, लॉकर्स नीचे ही है ना। हाँ चलो सामान लॉकर्स में, यहाँ सामान जमा करवाते हैं और लॉकर की चाबी ले लेते हैं, हॉल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये ऊपर है, चलो फिर ऊपर ही चलते हैं। ओह
इधर क्या सारे कपड़े वगैरह रखे हैं इधर उधर, देखो पूरा घर का घर बना रखा है एक तरह। तो भाई लोग नहा तो के हो गए ऑलरेडी, ले रहे अपने बैग रख दिए लॉकर ले ली, और तो अभी सब सो रहे हैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकता, सब सो रहे देखिए। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, और सुबह 4 बजे उठ के दर्शन के लिए जाना होगा, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी जहाँ तक मेरे को लग रहा है सो जल्दी हो जाएंगे दर्शन, फिर भी देखेंगे क्या बनता है माहौल।